हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्क शेड्यूलिंग से है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स। तो आज की हमारी पहली एल्गोरिथम है FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो देखेंगे ये किस तरीके से काम करती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब है जो रिक्वेस्ट पहले आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम ली है जिसके थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे कैसे ये काम करती है। सपोज हमारे पास जो ऑर्डर दिया हुआ है रिक्वेस्ट का, वो ऑर्डर है 82 170 43 140 24 16 119। यही ऑर्डर है हमारा जिसके अंदर रिक्वेस्ट आ रही है और इसी ऑर्डर के अंदर हमें क्या करवाना है, एग्जीक्यूट भी करवाना है इन सभी को। तो हम देखते हैं पहले हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो 82 है और हमारी जो करंट पोजीशन है रीड राइट हेड की वो अभी 50 में है। मतलब हमारा जो रीड राइट हेड है, हमारा जो रीड राइट हेड है वो अभी 50 पे है और हमारी रिक्वेस्ट क्या है 82। तो पहले 82 एग्जीक्यूट होगी, फिर 170, देन 43, इस तरीके से 190 तक हमारी सारी की सारी रिक्वेस्ट क्या है एग्जीक्यूट होंगी। तो 50 से पहले जाएंगे 82 पे, देन 170, एरो लगा लेनी है ताकि हमें ध्यान रहे कि कहां से रिक्वेस्ट कहां पे जा रही है। देन 24, 143 के बाद है हमारे पास 24 रिक्वेस्ट, 24 पे जाएंगे। देन 16, यहां पे आ गई थी हमारी 24, इसके बाद आगे हमें जाना है 16 पे, उसके बाद है 190 के बाद हमारी रिक्वेस्ट खत्म हो जाती है। तो ये है हमारे पास 190। तो हमने देखा कि हमारी जो रिक्वेस्ट का सीक्वेंस था वही सीक्वेंस हमारी एग्जीक्यूशन का है। स्टार्टिंग करेंगे पहली रिक्वेस्ट से और एंड करेंगे लास्ट वाली रिक्वेस्ट पे। एज इट इज हम ट्रैक्स पे चलते रहेंगे। यहाँ पे जो ट्रैक्स मैंने मेंशन किए वो वही सारे ट्रैक्स मेंशन किए हैं जो हमारी रिक्वेस्ट में अवेलेबल है। ज्यादा ट्रैक्स हमने नहीं बनाने हैं, पेपर में अगर प्रॉब्लम पूछते हैं तो वही वाले ट्रैक्स हम लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। ज्यादा ट्रैक्स में यहाँ पे फिर खोजपोछ हो जाएगी और इस तरीके से हमने एरो के थ्रू मेंशन करवा देना है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं कि टोटल सीक टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था सीक टाइम क्या है, असेस टाइम क्या है। तो सीक टाइम हमारा वो टाइम होता है जिसमें हम किसी एक ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक पे जाते हैं वो टाइम। तो यहाँ पे जब हमें सीक टाइम फाइंड आउट करना होता है तो हम सीक टाइम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम हमारी जो पहली रिक्वेस्ट थी वो थी 82 की, तो 50 से 82 में हमारा जो टाइम हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लेंगे, जो सीक टाइम हम यहाँ पे लेंगे वो 82 माइनस 50 लेंगे। ये है हमारा सीक टाइम पहली रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 82 माइनस 50 प्लस दूसरा सीक टाइम हमारा क्या था, दूसरी रिक्वेस्ट थी हमारी 170। तो 82 से 170 तक का मतलब 170 माइनस 82, देन हमारी रिक्वेस्ट थी 43 और 170। ये हमारा सीक टाइम है थर्ड रिक्वेस्ट के लिए। तो 170 माइनस आपने 43 करना है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है टाइम। तो आपने पॉजिटिव के लिए क्या करना होगा, हाईएस्ट डिजिट में से लोवेस्ट डिजिट को माइनस करना है, उल्टा नहीं कर देना है। 170 माइनस 43, देन हम आए थे 140 पे, ये यहाँ से यहाँ पे 140 माइनस 43 करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट हमारी रिक्वेस्ट थी 24, हम यहाँ पे आ गए थे 140 पे, 140 से देन 24, 140 माइनस 24 से हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट ट्रैक पे 16 पे। तो 24 माइनस 16, उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट थी 190 जो कि लास्ट रिक्वेस्ट थी ये वाली। तो 190 माइनस 16, हमेशा हमने क्या करना है, हाईएस्ट डिजिट में से लोवेस्ट को माइनस करना है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 642 इसका आंसर है। कैसे किया हमने, हमने फाइंड आउट किया सीक टाइम। सीक टाइम हमारा वो टाइम होता है जो हमें एक ट्रैक से दूसरे रिक्वायर्ड ट्रैक पे लेके जाता है। पहली रिक्वेस्ट हमने देखी 82 की थी, तो 82 यहाँ पे है हमारे पास और हमारा जो हेड था स्टार्टिंग में वो 50 पे था। तो 82 माइनस 50 करेंगे, इसी तरीके से सारी की सारी रिक्वेस्ट जो हमें मिली हुई है उनको हम माइनस करते जाएंगे और जो माइनस करेंगे वो हाईएस्ट डिजिट से लोवेस्ट डिजिट में करेंगे क्योंकि हमारा जो टाइम होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इस एल्गोरिथम की क्या एडवांटेज है। बहुत ही सिंपल एल्गो है ये हमारी और एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ फेयर चांस। यहाँ पे सभी रिक्वेस्ट को फेयर चांस मिल रहा है, वन बाय वन जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में इनको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, शेड्यूल कर रहा है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, डजंट ट्राई टू ऑप्टिमाइज द सीक टाइम।
देखो जो यहाँ पे हमने सीक टाइम निकाला है ये ऑप्टिमाइज करने के लिए कोशिश नहीं कर रही है एल्गोरिथम, ये एज इट इज जैसे जैसे रिक्वेस्ट आई है उसी सीक्वेंस में ले जा रही है। मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, ये और ज्यादा अच्छी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो एज इट इज ले रहे हैं, यहाँ पे कोई और एल्गोरिथम अगर यूज करे तो इससे अच्छा हमारा सीक टाइम आ सकता है। सीक टाइम जितना कम होगा उतना ज्यादा बेटर हमारी एल्गोरिथम होगी। तो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में क्या है, हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में है जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी वैसे ही रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा, यहाँ पे और कोई अलग से एडवांटेज यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो आई होप आपको इजीली समझ आई होगी FCFS एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।